बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सुपर टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है गाजर के लड्डू, गाजर का हलवा। गाजर की बर्फी तो बहुत बार खाई है, इस बार गाजर के लड्डू ट्राई करते हैं। कैरेट लड्डू, इसको भी बर्फी और हलवे की तरह ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। कैरेट लड्डू आसानी से बन जाते हैं। गाजरों को हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। पहले घी ऐड करने से हलवा बॉटम पर चिपकेगा नहीं, भूनने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद कैरेट ऐड करेंगे। पहले गाजरों को अच्छे से वॉश कर कर पील कर लें, और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, इस तरह से मैंने किए हैं। गाजरों को अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेते हैं। गाजरों में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क पहले इसलिए ऐड करेंगे कि गाजर जले ना, गाजर का वाटर रिलीज़ होने से पहले। अभी हम गाजर को प्रेशर दे देते हैं, सिर्फ 1 विजिल होने तक ही प्रेशर देना है। मैंने सिर्फ 1 विजिल दिया है और साथ ही प्रेशर निकाल दिया था प्रेशर कुकर से। अगर प्रेशर रख भी देते, 1 से 2 विजिल हो जाते, तो गाजर का आटा हो जाता, सारा टेस्ट चले जाता। ये सारा गाजर का वाटर रिलीज़ हुआ है, अभी हम इसको अच्छे से सूखा भून लेते हैं। स्पैचुला की हेल्प से गाजर को मैश करते जाएंगे। अभी हमारे गाजर अच्छे से मैश हो चुके हैं, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। गाजरों का सारा वाटर सूख चुका है, इसको थोड़ा सा भुनाई कर कर इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 1.5 कप शुगर ऐड की है, तकरीबन 200 ग्राम्स। 1 केजी कैरेट में 200 ग्राम शुगर ऐड की है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर। और सारा शुगर सिरप सूखने तक भुनाई करेंगे। वन टीस्पून घी और शामिल करेंगे। मैंने टोटल 4 टीस्पून घी ऐड किया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारा हलवा ड्राई हो चुका है। बहुत ड्राई होना चाहिए ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। हम इसमें थोड़ा सा जायफल ग्रेट कर कर ऐड करेंगे, जायफल पाउडर, मैगनट पाउडर। वाटर टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर की जगह आप हलवे को पैन में ही बना लें। प्रेशर कुकर में बनाने से बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो गया था, जिसको भूनने में बहुत टाइम लग गया। बेहतर ये है कि आप पैन में ही बना लें, ये एक टिप है। माशाल्लाह से अभी हलवा बहुत ड्राई हो चुका है, इसको डिश आउट करते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये मैंने खोया ले लिया है, ये 1/2 केजी मिल्क से खोया बनाया था। इसको हम हलवे में ऐड कर लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
होममेड खोया है। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, किशमिश, काजू और तरबूज के बीज हैं। इसको हलवे में ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम हलवे को खोवे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स और खोवा हलवे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। बस मिल्क पाउडर को हलवा ठंडा होने के बाद ऐड करना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। गरम गरम में ऐड करेंगे तो मिल्क पाउडर लिक्विडी हो जाएगा। मिक्स करने के बाद हम हलवे को छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल दे देंगे। छोटे से लड्डू तैयार कर लेंगे और उस पर एक काजू रखकर प्रेस कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लड्डू लग रहे हैं। कैरेट लड्डू की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकअल्लाहु खैर।